नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कार्य क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी केंद्रीय राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल जी से। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे उनके सफर के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए रुक करते हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी की तरफ। सर, आपका हमारे शो शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हर बार हम लोग एक शख्सियत से बात करते हैं, क्योंकि आज तक हम लोग आपके कारनामे, आप लोग के जो काम है वो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन हम आज तक आपकी जर्नी के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो इससे अच्छा आपसे अच्छा हमें कौन बता पाएगा। तो आज सर हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन था वो किस तरीके का आपका बचपन था। आप बहुत शरारती थे या बहुत ही न्यूट्रल टाइप के थे, मतलब किस तरीके के आपका बचपन। देखिए, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, जो पाकिस्तान में, वहाँ से 1947 के पार्टीशन के बाद आए थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, क्योंकि सब कुछ छोड़ कर आए थे। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने छोटे से काम से, एक छोटे से मूंगफली के ठेले से और छोटी सी दुकान से अपना सफ़र प्रारंभ किया। मैं 1960 में कानपुर में उसी घर में जन्म हुआ था मेरा, जिस घर में मैं आज रहता हूँ। हमारा एक छोटा सा घर था मेरा, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बच्चा था। इस नाते से मेरे प्रति स्नेह और लाड मुझे ज़्यादा अपने माता जी का, पिताजी का और मेरे दादा दादी का मुझे मिला। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा शुरू करी थी बाल निकेतन विद्यालय, एक छोटा सा जैसे विद्यालय होते हैं वहाँ से। और उसके बाद मैं 1965 में 5 साल की उम्र में मैंने सेंट जोसेफ स्कूल, नया खुला था उस क्षेत्र में हमारे जाजमऊ एरिया में, मैंने उसमें वहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो उसमें पहले हायर सेकेंडरी स्कूल और यूपी बोर्ड का स्कूल अलग अलग सिस्टम होता था। वो 11वीं क्लास तक होता था, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स दिल्ली में होता था जहाँ पर हायर सेकेंडरी सिस्टम लागू था। फिर मुझे वो स्कूल 7वीं के बाद छोड़ना पड़ा और मैंने अपना हाई स्कूल हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज से किया, जो मेरे घर के पास में था। और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अपना साइंस से क्राइस्ट चर्च, पहले इंटर कॉलेज से, बाद में डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। तो बाल्यकाल से ही मैं एक, मेरा थोड़ा सा एक्टिव रहने का मेरा एक स्वभाव था जी। मेरे मदर फादर मेरे पे बहुत विश्वास करते थे, मेरे को कोई भी काम देने में वो सब कुछ आते नहीं थे और बड़े विश्वास के साथ काम देते थे। मेरी मदर कहती थी कि अगर ये काम इसको सतीश को दे दिया है तो वो काम पूरा हो गई होगा। मेरा मिलनसारी जो नेचर था, दोस्तों के साथ बैठना, दोस्त बनाना, मेरे पिताजी कभी कभी कहा करते थे कि इसके कितने दोस्त हैं ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा होती थी कि मेरे फादर का बहुत बड़ा और विराट व्यक्तित्व था। उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा किया, अपनी एजुकेशन को खड़ा किया। वो अपने टाइम के एमकॉम एलएलबी एडवोकेट थे, तो उनकी शिक्षा के कारण उनका बहुत एक वास्ट जनसंपर्क था, लोग उनको, शहर के बड़े लोग। मैंने कहा इसलिए हमारे लिए बड़े लोग वो होते थे जो स्थापित थे, एक छोटे से स्थान के ऊपर उठकर उस बड़े स्थान के ऊपर जाना इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मेरे फादर के बहुत बड़े लोगों से, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स के साथ संबंध थे, क्योंकि अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने उनके साथ संपर्क में आए थे। जोगीलाल कमलापुर जेके ग्रुप के जो डायरेक्टर थे श्री गोविंद हरि सिंघानिया, उनके क्लासमेट थे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो चाहे बिजनेस फील्ड्स में आते हों, चाहे मेडिकल फील्ड्स में आते हों, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड्स में आते हों, चाहे शिक्षा क्षेत्र में आते हों, और क्योंकि वो संघ से पार्टीशन के पहले से ही जुड़े हुए थे, इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनके प्रति समर्पण था। मुझे याद है हम लगभग मैं 10 वर्ष का ही होंगे, हमारे यहाँ पहला शिशु मंदिर कानपुर में मेरे फादर के द्वारा शिशु शिक्षा प्रबंध समिति खोला गया। तो एक वो संस्कार, मैं बालकाल से शाखा में जाता था, बचपन में शाखा, मेरे फादर कई वर्षों तक जिला संघ चालक रहे। तो एक वो एक जो विचार था, वो एक जो अट्रैक्शन था जो संगठन का होता है, वो बालकाल से मेरे पास रहा। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं अपने पिताजी के तरीके से लोग मुझे भी जाने, मैं भी लोगों के संपर्क में आऊं। तो लेकिन वो हो नहीं पाता था क्योंकि मैं भी पढ़ता था। लेकिन मेरे फादर के द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, मेरी मदर का लाड प्यार और एक अपनेपन का एक भाव होता है जो वात्सल्य पूर्व भाव होता है,
उसने मुझे इस स्टेज के ऊपर लाकर खड़ा किया। राजनीतिक क्षेत्र में मेरी पहचान मेरे पिताजी के नाम की वजह से बनी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि मैं बालकाल से संघ का स्वयंसेवक था, उस नाते से मैं बजरंग दल में एक्टिव था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो 1984 से आज़ादी के बाद शुरू हुआ, उस आज़ादी के पहले आंदोलन हुए, आज़ादी के बाद 1983-84 में आंदोलन शुरू हुआ, तब से मैं उसके साथ जुड़ा रहा। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और मैं बजरंग दल का संयोजक था अपने क्षेत्र का। तो अपने क्षेत्र का बजरंग दल के संयोजक होने के नाते से तो मैं एक्टिव था उसमें। लेकिन मैंने कहा मैं सीधा राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता था, बीजेपी की वर्किंग में बहुत एक्टिव नहीं था। बीजेपी की वर्किंग में हम उतना ही एक्टिव होते थे जितना एक स्वयंसेवक चुनाव के समय में होता है, पर्ची लिखना, लोगों के घर पर्ची पहुंचाना, अगर प्रत्याशी आ रहा है तो उसके साथ जुलूस निकालना और इलेक्शन वाले दिन बूथ के ऊपर जाकर बैठ जाना और उसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता था, फिर अगले इलेक्शन में शुरू होता था। कि मैंने कहा मैं एक्टिव राजनीति में नहीं था। लेकिन 1991 में मेरी राम जन्मभूमि की सक्रियता को देखकर, मेरे जैसे और बहुत लाखों लोग थे जो जुड़े हुए थे उसके साथ, मैं अकेला नहीं था। मेरी राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रियता को देखकर संघ के हमारे अधिकारियों ने निर्णय किया कि मुझे 1991 का चुनाव लड़ना है। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी जब मुझे संघ कार्यालय से कहा गया कि आपको जाके नॉमिनेशन करना है। तो मैंने कहा मैंने तो टिकट भी नहीं मांगी, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है। मेरे फादर भी कहते थे इसको कुछ पता ही नहीं है, ये राजनीति क्या करेगा। वो बड़े प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरे बेटे को टिकट दे दी जाए। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक बन गया तो हमारी सरकार बनी थी, तो हमारे परिवार के कुछ लोगों ने हमारे मेरे फादर से बोला कि आपके संघ के इतने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क हैं, आप उनको कहो इसको मंत्री बना दें, मेरे को मंत्री बनाने के लिए। तो उन्होंने उन्हीं को डांट कर बोला क्यों बना दे मंत्री, इसको कुछ आता ही नहीं है, अभी तो शुरुआत करिए इसने राजनीति की, सीखेगा तो बनेगा, नहीं तो मंत्री बनाने के लिए कोई कहाँ तक सिफारिश लगा सकता है। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, इसको मंत्री बनवाने के लिए मैं कहीं भी नहीं कहूँगा, अपने दम के आधार के ऊपर ये बड़ा होगा, सीखेगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में इसने काम नहीं किया, मंत्री बना देंगे गलती करेगा तो कौन जवाब देगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स मेरे को अपने परिवार से, अपने माता जी से, माता पिता से मिले, और वो जो संस्कार मुझे संगठन से मिले हैं, मैंने जैसे कहा मैं बालकाल से संघ का शाखाओं में जाता था, तो मुझे जो संस्कार वहाँ से मिले, जो संरक्षण मेरे पिताजी का माताजी का मिला, और 1981 में मेरी शादी हो गई थी, मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई थी, मेरी पत्नी का मुझे बहुत सहयोग मिला राजनीतिक क्षेत्र में और सार्वजनिक जीवन में काम करने का, उसके कारण आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सर ये तो आपका एक संक्षिप्त एक आपने ब्रीफ किया कि कितना मतलब जो आपका शुरू से और आज तक का जो भी सफर था, हमने अभी आपकी उस पर बात करते बचपन पे बात कर रहे थे, तो बचपन में आपका जो भी स्कूलिंग रहा, स्कूलिंग टाइम रहा, और आपने बताया कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा था क्योंकि आप लोग बाहर से मतलब आपने यहाँ पे इंडिया में सेटल्ड हुए थे, इंडिया में पहले भी थे, जो पंजाब वेस्टर्न पंजाब था पहले भी इंडिया में था, पाकिस्तान बनने के बाद हम हिंदुस्तान में, हम हिंदू पाकिस्तान के नागरिक कभी भी नहीं थे। इंडिया में आने का मतलब यह है कि हम किसी दूसरी कंट्री से हैं, एक स्थान से, जिस समय पार्टीशन हुआ आपको ये बात मालूम होगी। तो जो हिंदुस्तानी में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो उसे पाकिस्तान से है वो पाकिस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से पहले तो हिंदुस्तान एक ही था ना, तो दैट पार्ट ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान में चला गया वहां से आए, इंडिया से इंडिया में, इंडिया से बाहर से नहीं। मतलब उस टाइम पे आपका काफी कुछ ये था कि सब कुछ कुछ नहीं था, जीरो से आपके पिताजी ने सब शुरुआत की एंड देन फिर काफी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा था। उस टाइम पे आपका स्कूलिंग कैसा रहा था, मतलब स्कूल में आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं, आप वहाँ पर काफी आप काफी स्कोरिंग आप एक अच्छे स्टूडेंट्स में आपका नाम आता था या आप एक न्यूट्रल? मैं अच्छा पढ़ने का वाला बच्चा था, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको बताऊं उस समय हाई स्कूल में, पहले आजकल के जमाने में तो 95% और इत्यादि उसके सारे मेरिट्स के अंतर्गत आता है। जब हम लोगों ने हाई स्कूल किया था तो उस समय फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन चलती थी, 33% पास हो गए तो आप थर्ड डिवीजन से पास हो गए, 45% पे सेकंड डिवीजन, 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, तो इतना ही पूछ लिया जाता कि अरे ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन का, मतलब 60% से उसके ऊपर नंबर है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता था। आजकल के जमाने में तो उतने वो 90-95% से ऊपर ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है, उस समय ये नहीं माना, उस समय माना था कि 60% है तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो मेरे को हाई स्कूल में जब मैं पास हुआ और मैंने क्राइस्टचर्च में एडमिशन लिया तो मेरे को 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी, एक साल के 300 रुपये का मुझे चेक मिलता था, और मैं क्राइस्टचर्च इंटर कॉलेज में पढ़ता था, सामने चार्टर्ड बैंक था, तो वहाँ पर जाकर हमने उसका बैंक में अकाउंट खोला, क्योंकि कॉलेज स्कूल का अकाउंट वही था,
तो वहां पर हमने अकाउंट खोला तो मेरे को बहुत बड़ा लगता था कि मतलब 300 रुपए का चेक मुझे मिला है। मैं जब अपने बच्चों को बताता हूँ कि मुझे 300 रुपए का चेक मिला है तो वो कहते हैं अरे 300 रुपए की क्या वैल्यू है। तो मैंने कहा बेटा 7 रुपए फीस हुआ करती थी, 7 रुपए फीस होती थी और 25 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी उस नाते से, तो मैं हाई स्कूल भी मेरे को अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब आगे मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट मैंने क्राइस्टचर्च कॉलेज से किया और ग्रेजुएशन भी वहाँ से करने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था 1980 में और 1981 में मेरी शादी हुई। अच्छा सर, बाकी और ये था कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी कुछ और हॉबीज भी रही होंगी। मेरे को खेलने का शौक था, मेरे को खेलने का शौक, हम क्रिकेट खेला करते थे, मेरे को जिमनास्टिक्स का शौक था, हम लोग पैरेलल बार्स किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। लेकिन दोस्ती का मुझे बचपन से शौक था, दोस्तों के साथ बैठना, चुटकुलेबाजी करना, हंसना हंसाना, ये मेरा शौक। क्योंकि मेरे फादर, मैंने कहा बहुत लाइवली आदमी थे, मैंने अपने फादर से जिंदगी में जो कुछ भी उतारा उनके, वो बहुत मस्त किस्म के आदमी थे। उन्होंने जीवन में कभी टेंशन नहीं करी, कभी किसी के लिए वो चिंता नहीं करते थे, अपना काम अपना लक्ष्य उनको स्पष्ट रहता था। मैंने कहा ना, जैसे पुराने हम एक शब्द कहते थे कि खाटी संगी मतलब पक्के वाले संगी थे अपने प्रिंसिपल्स वाले। तो उस नाते से मेरे को जीवन में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे मैंने कहा मैं बड़ा बच्चा था परिवार में, तो उस नाते से मेरे पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। मैं जब 1976 में 10th पास करने के बाद क्राइस्टचर्च कॉलेज गया, तो मेरे घर से क्राइस्टचर्च कॉलेज 10-11 किलोमीटर था। तो पहले दिन ही मेरे को स्कूटर लेके दे दिया, मुझे आजकल स्कूटर का नंबर याद है, URD 600 स्कूटर नंबर था। तो पहले दिन से मुझे स्कूटर मिला कॉलेज में, इंटर कॉलेज में लगभग 2-3 बच्चे स्कूटर से आते जिसमें मैं था। तो मुझे वो मतलब वो प्रिविलेजेस मिली जो मेरे मदर फादर के द्वारा दी गई थी। तो इसीलिए मुझे उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अपने उन्होंने जैसे उन्होंने 1947 के बाद आए होंगे, 48 में कानपुर आ गए, तो 48 में कानपुर में आने के बाद उन्होंने 50 में मकान बनाया। मैं तो 60 में पैदा हुआ, 60 में जैसे जैसे बड़ा हुआ तब से तब तक उनके भगवान की कृपा से, उनकी मेहनत से, उनके व्यक्तित्व से, मेरे को जीवन में आर्थिक दृष्टि से कभी भी संघर्ष मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बड़े लाड प्यार से पला हुआ बच्चा था। जैसे कई सारे फॉरेन टूर भी किए हैं, वो फॉरेन टूर आपका इंटरेस्ट था या किसी और कारण की वजह से या किसी और ट्रिप की? नहीं, मेरे को शौक है घूमने का, म्यूजिक का मेरा पुराना ओल्ड म्यूजिक का मेरा शौक था, घूमने का मुझे शुरू से शौक था। मैं देश भर में घूमा हूँ, मैंने देश भर में चाहे पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मैं घूमा हूँ, चाहे कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक घूमा हूँ, अटक से लेकर कटक तक घूमा हूँ, बाकी सारे के सारे जो पिलग्रिम्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट की, वो सब मैंने ज़्यादातर देखी हूँ। सब तो नहीं कह सकता क्योंकि देश बहुत बड़ा है, और लेकिन इसके साथ साथ मुझे बाहर भी घूमने का शौक था। मैं दुनिया के लगभग 40 देश घूमा हुआ, और मैं 40 देश केवल ऐसे नहीं घूमा कि मैं किसी वहाँ के कैपिटल सिटी में होकर आ गए। जैसे जनरली लोग यूके जाते हैं तो कहते हैं लंदन से होकर आ गए, मैं कई बार यूके गया हूँ। तो यूके में कंट्री साइड्स में, बाहर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, मैं कम से कम यूके के 10-12 शहरों में मैं जो दूर दूर जाके, चाहे वो ग्लासगो हो, वहाँ लोग कम जाते हैं, मैंने सारे, चाहे वो मैं मिडलैंड गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, आयरलैंड गया हूँ, सारे के सारे वहाँ पर मैं गया हूँ। तो वहाँ चाहे मैनचेस्टर गया हूँ, चाहे एडिनबर्ग गया हूँ, चाहे यॉर्क सिटी गया हूँ, मतलब मैं ऐसे नाम लोगे तो बहुत सारी जगह हूँ। जैसे मैं कनाडा गया, तो कनाडा में मैं सिर्फ टोरंटो और वहाँ पर नहीं गया, मैं वहाँ पे हेग सिटी गया था, क्यूबेक सिटी गया था, हेग में यहाँ पर गया था, नीदरलैंड्स में गया था। मैं इतनी जगह, मैं जनरली लोग यहाँ से, मैं न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मैं चाइना गया, जापान गया, यूरोपियन कंट्रीज लगभग मैंने सारे के सारे विजिट किए हुए हैं। तो ये मेरे शौक के कारण जाता हूँ, मतलब मैं मंत्री बनने के बाद सबसे कम ट्रैवल किया होगा मैंने, क्योंकि मंत्री बनने के बाद जिम्मेवारियाँ बहुत थी, और ये 2 साल लगभग कोविड ने बहुत परेशान किया। जो जिम्मेवारी मुझे संगठन पार्टी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे मंत्री बनाया था, उस जिम्मेवारी के नाते से मैं इधर घूम नहीं पाया। लेकिन हाँ, एक दो बार मैं सरकारी काम से बाहर गया था इसमें, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं लंदन में डिफेंस एक्सपो लगी थी तो मैं वहाँ पर गया था। तो एक दुबई में हमारे इंडस्ट्रीज़ का वो एक्सपो था तो वहाँ गया था, नहीं तो मेरे पास नहीं गया। लेकिन मेरे को घूमने का शौक है। मैं आपको बताऊँ कि मैं नॉर्थ पोल के ऊपर, मैं नॉर्वे गया, तो नॉर्वे ओस्लो उसका कैपिटल है, ओस्लो से मैं और दो घंटे की फ्लाइट लेकर ट्रॉम्सो गया था, जहाँ पर साल में एक दिन और एक रात होता है, मतलब 365 दिन में एक दिन एक रात होता है, जैसे यहाँ 24 घंटे में होता है। तो जिन दिन हम गए थे वहाँ पर, क्योंकि जून में जुलाई में गए थे, तो वहाँ पे दिन रहता है, तो वहाँ पर मतलब हम लोग 3 दिन रुके, तो तीनों दिन सूर्य देवता 24 घंटे दिखाई पड़ते थे। तो फिर धीरे धीरे
जुलाई अगस्त के बाद थोड़ा धीरे 5 मिनट रात होगी, फिर धीरे धीरे रात होती होती है, दिसंबर जनवरी में पूरी रात होती है 2 महीने, फिर धीरे धीरे दिन, मतलब जैसे यहाँ दिन 24 घंटे में धीरे से दिन आता है धीरे से शाम होती है, वैसे वहाँ 365 दिन में। मैं वहाँ भी रह कर आया, मुझे एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है। मैं जैसे न्यूजीलैंड गया तो न्यूजीलैंड में मैं क्राइस्ट चर्च गया, क्वींसटाउन गया, ऑकलैंड गया, मतलब वहाँ पर सारे शहरों में गया मैं। तो मेरे को घूमने का ये शौक है, मैंने बताया लगभग 40 देश में घूमूं। कभी कभी मुझे 40 देशों का नाम याद करने में भी कठिनाई हो जाती है कि कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ नहीं गया था। बाकी सर, अभी आपने जिक्र किया अपनी पहली जॉब का, तो वो किस तरीके की आपकी पहली जॉब थी और क्या मतलब आपने ज्वाइन किया कहीं? नहीं, मैं अपने बिजनेस ज्वाइन किया था मैंने, हमारा बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस था ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने कहा, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने बिजनेस से, फैमिली बिजनेस जो हमारा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग था, मैं उसमें बैठ गया। और जिस समय मैं 1980 में पास करने के बाद बैठ गया, तो उस समय बहुत 20 साल का था, 81 में मैं 21 साल का था। तो तब ये होता था कि जब काम करने लगा लड़का तो फिर अब क्या बात है। तो अब तो आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे परिस्थितियाँ हैं, सरकमस्टांसेस हैं, आदमी अपना कैरियर के लिए सोचता है, अपना प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए सोचता है, बहुत सारी बातें अब व्यक्ति सोचता है। लेकिन उस समय तो था कि पढ़ लिख गया, अब कोई काम नहीं है, काम पे लग गया, अब शादी करो तो मेरी शादी होगी। मेरी पत्नी हैदराबाद से आती है, जो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से आती है। वो उनके फादर और मेरे फादर दोस्त थे, उसके चाचा जी यहाँ रहते थे, तो वो हमारा संबंध, ऐसा रिश्ता संबंध है हुआ, तो उस नाते से वो हैदराबाद की है। और मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि वो मेरी जीवन संगनी है और मेरे साथ सपोर्ट करती है मेरे। सर, फिर उसके बाद आपके पॉलिटिकल सफर की शुरुआत हुई और कहाँ से? पॉलिटिकल सफर, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में सीधा काम नहीं करता था, मैं बजरंग दल का संयोजक था। राजनीतिक क्षेत्र में काम पहली बार 1991 मुझे जिस समय टिकट मिली, तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी और मेरे पत्नी बहुत अनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि मतलब इसको राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। राजनीति, क्योंकि जनरली एक परसेप्शन होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम होता है इत्यादि इत्यादि, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं, तो उसको नहीं लगता था कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। तो लेकिन मैं 91 में बना, तो मैंने राजनीतिक क्षेत्र में भी काम संघ के पैटर्न से ही करना शुरू किया, लोगों के साथ संपर्क बनाना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से ये स्वभाव था कि मैं लोगों के साथ संपर्क बनाऊँ, मेरे दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो शुरू से ये स्वभाव था। तो राजनीतिक क्षेत्र में 1991 में मैं जब पहली बार जीता, तो मैंने ये पहले सोचा कि मेरे को जनता ने जिताया क्यों है, व्हाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पर बैठा क्यों हूँ और किसकी वजह से हूँ और क्यों बैठा हूँ, मेरे लिए असाइंड जॉब क्या है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा ना, जैसे मैं राजनीति में नया था, तो मुझे लगा कि मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया हूँ। एमएलए बनने के बाद मैंने एमएलए को समझने की कोशिश की कि एमएलए होता क्या है। तो लोग एमएलए को बनने के बाद, एमएलए बनने से पहले उनको सब मालूम होता है कि एमएलए बनने ये होता है एमएलए, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं एमएलए कब हो गया और क्यों हो गया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ था, तो उस नाते से, बजरंग दल के कार्यकर्ता के नाते से तो मेरी पहचान थी। वो एक नौजवानों की टीम थी, राम जन्मभूमि मुक्तियाग आंदोलन चल रहा था। तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। कल्याण सिंह जी का एक बहुत विराट व्यक्तित्व था, उनके पास बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मैं 91 में, मैंने बताया ना, मैं संघ के पैटर्न से हर व्यक्ति के साथ संपर्क सीधा संवाद बनाने का मैंने कोशिश किया। जनता और जनप्रतिनिधि की दूरी को मैंने समाप्त किया। उसके पहले जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में दूरी बहुत होती थी। लोग कहते थे विधायक है तो लखनऊ में रहेगा, विधायक है तो जनता के बीच में आएगा नहीं। अगर कोई विधायक जनता के बीच में आता था तो इलेक्शन के टाइम लोग कहते थे अब दिखाई पड़े हो। तो मेरे लगा कि क्यों, मेरे से एक आदमी ने पूछा आप कानपुर कब मिलेंगे, मैंने कहा मैं कानपुर रोज मिलूंगा। उन्होंने कहा आप तो जीत गए, आपको लखनऊ में रहना चाहिए। मैंने कहा नहीं, लखनऊ में जब विधानसभा होगी तब जाऊंगा, या मेरा कोई काम होगा तब जाऊंगा, और कानपुर के नज़दीक है, 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं, शाम को वापस आ जाता हूं, मुझे कोई काम करता। तो लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कहा जनता के बीच की और जनप्रतिनिधि के बीच की जो दूरी होती थी वो मैंने समाप्त करी, और उसको दूरी को समाप्त करने के कारण ही मैं लगातार एक ही विधानसभा क्षेत्र से विगत 7 बार से विधायक हूँ। मेरा 2005 तक मेरी विधानसभा का नाम छावनी विधानसभा था, 2012 और 17 में महाराजपुर हो गया, क्योंकि मेरी छावनी विधानसभा थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, उसका 3 हिस्सों में पार्ट चला गया, एक पार्ट आर्यनगर में चला गया, एक पार्ट छावनी का दूसरे क्षेत्र के अंदर जुड़ गया, एक जहाँ पर मेरा घर है, ये मेरा उसको जाजमऊ मंडल कहा करते थे संगठन की दृष्टि से, ये नई विधानसभा महाराजपुर में जुड़ा। तो पुराना पार्ट लगभग 20-25% और नया पार्ट 75%, ये मेरा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का मेरा घर, जहाँ पर मैं अपने घर में 1991 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था
सतीश महाना के प्रत्याशी के नाते से, आज भी मैं उसी में भारतीय जनता पार्टी को सतीश महाना के प्रत्याशी के नाते से, मेरा घर उसी क्षेत्र में है जहाँ पर पहले था। सर उसी टाइम जिस टाइम आपके आंदोलन चलते थे, जिस टाइम आप थे, तो उसमें जन आंदोलन में एक ऐसा भी दिन आया था जब 1990 92 एंड 94 में आपको 3 दिन के लिए 151 के अंतर्गत क्या वजह रही? वो उसमें ये था कि 90 में तो जन आंदोलन था, 90 में तो श्री राम जन्म भूमि मुक्ति, मेरे फादर, मैंने जैसे आपको बताया कि संघ के अधिकारी थे, तो उनको कई दिन पहले ही गिरफ्तार करके उनको फतेहगढ़ जेल ले जाया गया था, उनके ऊपर रासुका भी लगी थी, और भी बहुत सारे वरिष्ठ हमारे संघ के अधिकारी थे उनको भी पकड़ लिया था, तो उनके ऊपर रासुका लगी थी, तो उनको फतेहगढ़, वो एक जन आंदोलन था, उसमें भी फिर हमने गिरफ्तारी दी, हम भी फतेहगढ़ जेल चले गए। तो जिस दिन फतेहगढ़ जेल में छोड़ा गया हम सब लोगों को, तो उस दिन ये एक मैसेज आया हमारे फादर को, उनको उन्होंने नोटिस पकड़ा दिया कि आपके ऊपर रासुका लगी है तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैं छूट रहा था और मेरे फादर जेल में थे फतेहगढ़ में, तो मैं रोने लगा, मतलब मैं बड़ा था उम्र में, 30 साल का था, लेकिन मुझे फिर भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, तो मैं रोने लगा कि बताओ मैं मेरे को छोड़ रहे, मेरे पिताजी को नहीं छोड़ रहे। तो मेरे फादर ने मुझे प्यार से डांटा, उसने क्या बात करते हैं यार, हम लोग राष्ट्र के लिए हैं, समाज के काम के लिए जेल में हैं, कोई गलत काम करके थोड़ी हैं। तो मैंने कहा आपको नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे नहीं छोड़े, मेरे से तुम्हारा क्या मतलब, जाओ अपना। तो फिर वो मुझे ये बात याद आती, तो पहले ही मेरी गिरफ्तारी जो हुई थी उस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए, जो देश में इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद नहीं हुआ था, जितना बड़ा वो आंदोलन था, लाखों लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें हुई थी। 1992 में जो मेरी गिरफ्तारी हुई, तो उस समय 6 दिसंबर 1992 में मैं अयोध्या में था, जिस समय ढांचा गिरा था, तो अयोध्या में था, अयोध्या में होने के नाते से मेरा उसमें पार्टिसिपेशन था, मैं MLA हो चुका था 91 में, तो 90 में वहाँ से फिर किसी तरीके से निकल के अपने क्षेत्र में घूमा, तो वो मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में मैं मूवमेंट करता था कि किसी भी प्रकार का उनमें भय ना हो, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसी प्रकार का कोई खराबी ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई अच्छी तरीके से लोग रहें। तो इस नाते से जब मैं क्षेत्र में घूमता था, तो मेरी शिकायत यहाँ पर गवर्नर के यहाँ भी हुई थी, और जिला प्रशासन ने कहा कि ये बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने किया गया है, तो मैं फिर मेरे को पता चला जब गिरफ्तार करना चाहिए, तो मैं घर के बाहर और कहीं रहने लगा, किसी एक ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ मेरे रिलेटिव थे। पहले तो मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, तो मैं लैंडलाइन फ़ोन से SSP को फ़ोन करता था, बताता था कि आज यहाँ ये समस्या है। SSP मुझे कहते थे कि आप सर गिरफ्तारी दे दीजिए, हमारे को प्रदेश सरकार वहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है सरकार की तरफ से, हमारी सरकार गिर गई थी 6 दिसंबर को, कि आप उसके बाद जो दूसरे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें। तो मैंने कहा भी मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, उन्होंने कहा आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तो मैंने कहा नहीं दूंगा। तो उन्होंने पूरा एक कोर्ट से लेकर मेरे घर के ऊपर पुलिस लगभग 500 पुलिस पर्सन, PAC भी थी, रैपिड एक्शन फोर्स में थी, सिविल पुलिस भी थी, एक SP थे, 2-3 CO's थे, एक ADM सिटी थे, एक सिटी मजिस्ट्रेट थे, कई थानों की फोर्स थी, कई सिपाही थे, उन्होंने मेरे घर के कुड़की करने के लिए आ गए। तो फिर मेरे घर वालों को पता था मैं कहाँ रुका हूँ, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप यहाँ पर इतनी पुलिस आ गई है, तो ये सब तोड़ फोड़ करेंगे और ये सारे यहाँ पर कह रहे हैं सामान उठा के ले जाएंगे, TV फ्रिज अब कुड़की करने के लिए आ गए। तो मेरे घर के पास में एक मेरे मित्र थे दैनिक जागरण में, भूपेंद्र तिवारी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे घर चले जाओ और पुलिस वालों को बोलो कि मैं आ रहा हूँ, आधा घंटे तक कुछ ना करें। तो वो गए क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो वो वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि आधे घंटे में अगर नहीं आएगा तो आप कर लीजिएगा। तो जब मैं आया तो वहाँ पर इतनी पुलिस थी जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं किसी डाकू को गिरफ्तार करने के लिए गए, इतनी पुलिस वाले थे वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ पर गया, मैंने गिरफ्तारी दी, तो उन्होंने कहा गिरफ्तार दी, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ से जुलूस निकाल के थाने से चलूंगा, मेरे घर से थाने की दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर थी। उन्होंने कहा नहीं अलाउ करेंगे, मैंने कहा नहीं अलाउ करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो जब तक मेरे साथ बहुत भीड़ इकट्ठी होगी थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो मैं थाने तक गया, हम लोग श्री राम जन्मभूमि के नारे लगाते हुए वहाँ तक गए और वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर मैं दूसरी बार जेल में 6 दिसंबर के बाद फतेहगढ़ जेल, तब भी मुझे लेकर जाया गया। फिर 1994 में हम मुलायम सिंह जी की सरकार थी, कानपुर में काला बच्चा नाम का एक कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या के आंदोलन में मैं बहुत सक्रिय था, तो मैंने कहा उस समय यंग एज थी 33-34 साल के, फिर 94 की बात है ये, तो बहुत थे, तो उस समय सरकार ने बड़ा प्रताड़ित किया था, बड़ा किया। तो
फिर तब मेरे काला बच्चा के आंदोलन में फिर मेरी तीसरी बार गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें मैं फतेहगढ़, तीन बार मेरी गिरफ्तारी, तीनों बार मुझे फतेहगढ़ लेके जाया गया, क्योंकि वो सेंट्रल जेल की तय, जैसे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी था तो वहाँ लेकर जाया गया। लेकिन वो आज जिस समय हम सोचते हैं कि वो किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई, कैसे आंदोलन किया था, तो मन में एक रोमांच होता है और अच्छा लगता है कि हम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया, तो टीवी देखते देखते हमारे आंसू अपने आप आने लगे, क्योंकि हम उस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए थे। और सौभाग्य का दिन था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास का पत्थर लिखा 5 अगस्त को। तो वो दिन जीवन में जितनी भी मेहनत करी थी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नाते से, एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते से, एक बजरंग दल के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते से, वो उस दिन बहुत प्रसन्नता का दिन था और वो जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था जी। बाकी सर, आपने एक इंटरव्यू के दौरान आपने बोला था कि पहले की जो सरकार थी उस टाइम पे कि स्पॉन्सर्ड क्राइम, आपने बात किया था कि स्पॉन्सर्ड क्राइम हुआ करते थे, उस स्पॉन्सर्ड क्राइम से क्या मतलब है आपका? स्पॉन्सर्ड क्राइम का मतलब है कि सरकार द्वारा आयोजित, जैसे सरकार के लोग हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रीज चलती थी तो इंडस्ट्रीज से वसूली करते थे सत्ता पक्ष के लोग, तो वो स्पॉन्सर होते थे, सरकार से वसूली करनी है, सरकार से पैसा इतना लाना है, सरकार से वो स्पॉन्सर्ड क्राइम होते थे कि किसी को परेशान करना, उससे रैंसम लेना, लोग अपहरण करके ले जाते थे, सरकारी संरक्षण उनको मिलता था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। पहले इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं आनी चाहती थी कि वो लगता था कि पता नहीं इंडस्ट्री लगाएंगे जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो वो स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, तो वो गवर्नमेंट के संरक्षण में क्राइम, क्रिमिनल्स को संरक्षण दिया जाता था। आज सौभाग्य से योगी जी सरकार में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता किसी भी इंडस्ट्री से या किसी भी व्यक्ति से कि फिरौती मांगने के लिए कोई भी। मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले जिस समय अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते थे क्षेत्र में जाते थे, उनके कार्यकर्ता जाते थे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, तो लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो जाता था, अरे ये आ गए। आप चुने हुए प्रतिनिधि को देख कर व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, चुना हुआ प्रतिनिधि संरक्षक के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, शोषक के रूप में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बाकी सर, आप 2017 से आप औद्योगिक विकास मंत्री रहे हैं, तब से अब तक की जो भी आपकी उपलब्धि है, मतलब क्या चीज़ आपने एक औद्योगिक क्षेत्र में अपना किया है, काफ़ी कुछ चेंजेस? देखिए, औद्योगिक पहले 2017 से पहले औद्योगिक विकास का नाम चर्चा में नहीं होता था, क्योंकि उद्योगों का और सरकार के बीच में एक डिस्कनेक्ट सा था, इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहती थी। मैं आपको ये कहना बताना चाहता हूँ कि जब मुझे ये डिपार्टमेंट मिला 2017 में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने मेरे पर कृपा करी, तो मेरे को लखनऊ के पत्रकार मित्र मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लखनऊ में सीधा विधानसभा कवर करते हैं, सरकार को कवर करते हैं, वो मेरे कुछ व्यक्तिगत मित्र हैं। अब मेरे को 31 साल हो गए विधानसभा में, तब भी 25-26 साल हो गए थे। जो मेरे दोस्त हैं, जो पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं आदर करता हूँ, जो मेरे साथ मेरे बहुत करीब हैं, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि सतीश भाई, आपसे पार्टी नाराज़ है क्या? तो मैंने कहा भाई, मेरी पार्टी मुझसे क्यों नाराज होगी, ये भी कोई डिपार्टमेंट है जो आपको दिया, मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी कोई डिपार्टमेंट है, आपको देना चाहिए था कोई बड़ा डिपार्टमेंट। मैं बड़ा कौन सा होता है जी, बड़ा चाहे ऊर्जा देना चाहिए था, सिंचाई देना चाहिए था, नगर विकास देना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनका बहुत PWD देना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मैं जिस समय कानपुर में मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा मंत्री बनने के बाद, पहली बार जाने के बाद, उन्होंने कहा हम आपका स्वागत भी करेंगे और फुल पेज एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। तो स्वागत तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा किया। तो मैंने ऐसे चर्चा में पूछा, मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट दिया तुमने, जरा देखें। उन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं दिया, पैसे वापस ले लिए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये भी कोई विभाग है, मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट है, इस बात को लोग नहीं जानते थे। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मेरे द्वारा जो काम किया गया, अगर प्रदेश की आज 10 महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं तो उसमें 5 इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की होती हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के नाते से एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना है, आज उत्तर प्रदेश निवेश के नाते से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंकिंग पर आया है। जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्षों के अंतर्गत आया वो अपने आप में मिसाल है, अन्य किसी भी स्टेट में नहीं आया होगा। आज जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, लोग उसके नाते से आना चाहते हैं। आज हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज आता है, जब मैंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मुझे ये बात कहने का अवसर मिला था, मैंने कहा था अब इंडस्ट्रीज हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ समन्वय करेंगे। पहले समन्वय नहीं होता था, हमने कहा आपके साथ सहयोग करेंगे, सहयोग के बाहर तो छोड़ो कि उसको देखने नहीं जाता था। हमने कहा हम आपको संरक्षण देंगे, आपको किसी भी काम को करना हो हम सारे विभागों के साथ आपका समन्वय करेंगे, सहयोग करेंगे, संरक्षण देंगे। मैंने कहा हम आपकी सुरक्षा देंगे,
और आपकी समृद्धि की बात करें, इंडस्ट्रीज जो पैसा लगाता है वो समृद्धि के लिए आता है, कुछ कमाने के लिए आता है, वो विद इन हमारी पॉलिसीज जो हैं, हमारी पॉलिसीज के अंतर्गत उनको हम सारी सुविधाएं दे सकें, ये बात आज कही थी। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना से उठ कर आई तो सबसे पहले हमारे देश में आई और हमारे देश में उत्तर प्रदेश में आई। बहुत सारे ऐसे पुराने लंबित मामले थे, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जिस प्रकार का एक काकस बना रहता था हमने उसको तोड़ा, हमने सेंटर मैंने सेंट्रलाइज सेवा करी, एक एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से दूसरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैंने सेंट्रलाइज सेवा करके उनको एक जगह से दूसरी जगह हटाया। नहीं तो पहले जो नौकरी में लगता था 40 साल तक एक ही विभाग में एक ही जगह नौकरी करता करता उसकी समाप्त हो जाती, लोग कहते ये बहुत बड़े मजबूत लोग हैं, इनको कोई कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, सिस्टम से बड़ा कोई भी मौजूद नहीं है, हमारी पहचान सिस्टम से है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स सिस्टम से बड़े होते थे तो उन इंडिविजुअल्स को सिस्टम से बड़ा नहीं होने दिया। आज सिस्टम बड़ा है, संस्थान बड़े हैं, संस्थान बड़े रहेंगे तब हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हमने बहुत सारे इसमें से चेंजेस किए हैं और आज जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, आज एक्सप्रेसवेज का आप देखें नेटवर्क जितना उत्तर प्रदेश में है देश के किसी भी प्रदेश में नहीं है। हमारे एक्सप्रेसवे कितनी तेजी से बने हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे की हमने लगभग 95% से ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लिया, वो भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट 40 सालों से लोग सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का नाम लेते थे, हमारी सरकार में पूरी की पूरी लैंड एक्वायर करके हमने उसको अवार्ड कर दिया, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट वालों ने वहाँ पर काम बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ कोई आता नहीं था, आज उत्तर प्रदेश के हर पार्ट में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आती हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, आज अभी अलीगढ़ नोड का उन्होंने, हमने जितनी ज़मीन ली थी हमारी 2 महीने में सारी ज़मीन हमने अलॉटमेंट कर दिया और ज़मीन की डिमांड है, हम वहाँ पर और ज़मीन लेकर लोगों को दे रहे हैं। पहले मुझे याद है 2017-18 में यदि हमारे पास 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट होते थे तो 2 लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने वाले होते थे, आज हमारे पास अगर 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं तो 100 लोग लेने वाले हैं। तो ये पूरा चेंज आया है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में आगे बढ़ते हैं। हमने कोविड काल में भी बहुत इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग करी है और आज मैंने कहा कि देश का मोस्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन कोई है तो उत्तर प्रदेश है जी। पर सर ऑपोजिशन पार्टी हमेशा ये कहती है कि मौजूदा सरकार शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है, कि उनके जो पहले किए हुए थे बस उस पे ही प्रोजेक्ट वो फाइनल कर चुके थे, उसी पे ही अपनी मोहर लगा के मौजूदा सरकार उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कौन कहता है, मायावती जी ने क्या कहा था, उनको पता होना चाहिए जो भी सरकार में रहे, कम से कम सरकार में रहने वाले लोगों को यह पता होना चाहिए कि बजट हर साल का एलोकेशन अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम 2021-22 के बजट में अगले 10 साल का बजट एलोकेट करके चले जाएं, हर साल बजट अलग होता है, हर साल प्लानिंग होती है। कोई भी इशू देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, किसने शुरू किया था मैं याद दिलाना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी के पिता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक मंच के ऊपर कहा था कि ये शिलान्यास करवा लेता है उद्घाटन नहीं करवाता। हमने शिलान्यास भी किया उद्घाटन भी किया है, हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन्होंने 33% जमीन एक्वायर नहीं करी थी, इनको टेंडर करने की जल्दी थी कि किसी को अलॉटमेंट कर दो। नियम ये कहता है कि अगर 90% से कम अगर जमीन एक्वायर्ड है तो आप टेंडर कर ही नहीं सकते, टेंडर प्रोसेस नहीं कर सकते। 30% में आपने टेंडर कर दिया, टेंडर जितने में इन्होंने किया था उससे 1500 करोड़ रुपये कम में हमने आके टेंडर किया, उसके स्पेसिफिकेशन हमने बढ़ाई, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, अब उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास 5 फरवरी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अभी दिसंबर में उसका लोकार्पण कर देंगे। जेवर एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन का काम हमारे टाइम में शुरू हुआ, हमने जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत करी थी, आज उसको वहां पर उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे, वहां पर काम शुरू हो गया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 21 और 22 फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तो अनाउंसमेंट के पहले ही इन्होंने सब कुछ कर दिया था। इनको पता था क्या कि वहां पर कोई अनाउंसमेंट भी होगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से, इनको पता भी था क्या? मैं अभी इसी महीने की 15 तारीख को पेप्सिको की कंपनी का उद्घाटन 825 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया था, उसका दिसंबर 2019 में हमने उनको लैंड दिया है और अभी हमने उसका उद्घाटन कर दिया, उसको चालू कर दिया, उद्घाटन शिलान्यास भी किया उद्घाटन भी किया। यही सैमसंग के इंडस्ट्री का मैंने आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने और अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग के चेयरमैन, इन्होंने सैमसंग इंडस्ट्रीज का हम लोगों ने भूमि पूजन किया था जून 2017 में और उसका शिलान्यास उसका उद्घाटन उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2019
कंपनीज में किया, मैंने शिलान्यास किया, शिलान्यास किया, मेरे पास फोटो है, वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ। अभी जो कोविड काल के अंतर्गत जो चाइना से इंडस्ट्री हटकर आई है सैमसंग डिस्प्ले की, 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसका नोएडा में हुआ है। क्या अखिलेश यादव जी का या मायावती जी को पता था कि कोविड भी आएगा और सैमसंग की कोई इंडस्ट्री जो चाइना में लगी थी वो भी आएंगी? ये इनको, ये जब बात करते हैं इनको पता रहना चाहिए कि बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो उस, अगर ऐसा माहौल ही नहीं था, पहली बात तो उसमें डिस्कशन ही नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बोला, विपक्ष भी इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था क्योंकि सरकार कुछ करती नहीं थी। अब कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। इनके जमाने में इंडस्ट्री डिस्कस कब होती थी? कभी डिस्कस ही नहीं होती थी। ये तो, ये मायावती जी के लिए तो इंडस्ट्री थी नहीं। मैं जिस समय पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, तो मैं स्वयं श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ गया हूँ, मैं स्वयं मायावती जी से मैंने मिलने का प्रयास किया, स्वयं कांग्रेस के लीडर्स के साथ गया हूँ, मैंने सारे माननीय विधायकों को, चाहे किसी भी दल के हों, सबको मैंने निमंत्रण किया, चाहे राज्यसभा के सदस्य सांसद हों, चाहे लोकसभा के सदस्य सांसद हों, मैंने सबको आमंत्रित किया। सबको मैंने कहा आइए देखिए, ये आना नहीं चाहते, हमने इनको कहा आइए देखिए, हमने जो जिन्होंने MOU किया था, हमने सारे का सबका सबकी होल्डिंग्स के साथ उसका करंट स्टेटस वहाँ पे दिखाया कि ये कर रहे हैं। ये देखना नहीं चाहते कि उनकी रुचि नहीं है, इनका सिर्फ राजनीति की तरफ रुचि है। मैंने जितने बहुत सारी कंपनीज के, अब हीरा, अब डेटा सेंटर पॉलिसी हम अब लेकर आए, तो डेटा सेंटर के नाते से हीरा नंदानी ने अपना काम शुरू कर दिया नोएडा में, वो इंडस्ट्री वहाँ पर डेटा सेंटर लगा रहे हैं। अभी हमने 3 महीने पहले अडानीज को वहाँ पर लैंड अलॉटमेंट करी है, माइक्रोसॉफ्ट वाले को हमने उन्हें लैंड अलॉटमेंट करी है। तो ये सब पहले करके थे, जिनको लैंड अभी हम दे रहे हैं, जो प्रपोजल अभी दे रहे हैं, पॉलिसी जो हमने बनाई है, जिनका शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज प्रदेश की ये स्थिति नहीं होती। जो कुछ भी किया गया है इन 4.5 सालों में, प्रदेश को एक नया स्वरूप देने की बात करी गई है। मैं एक अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समय मैं रोड शोज के लिए मुंबई गया था, तो एक देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए, उन्होंने कहा था, माना साहब हमने कसम खाई थी कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। एक बड़े देश के बड़े इंडस्ट्रीज ने मुझे ये शब्द कहे कि हमने कसम खाई थी कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से मेरे से 4 बार मिले हो और अब हम आपको वादा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, और वो उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने अपने यहाँ पर काम शुरू किया। जी बाकी सर, आपने एक मेडिकल डिवाइस पार्क की बात की थी, क्या है ये मेडिकल डिवाइस पार्क? देखिए, ये जब से कोविड आया तब से मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ लोग बहुत बढ़ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय कोविड आया तो उस समय हम लोगों ने एक नया नाम सुना, PPE किट। मेडिकल फैकल्टी के लोग इसका नाम जानते होंगे, आम आदमी पीपी किट नहीं जानता था। तो लोग कहते हैं पीपी किट की जरूरत है, पीपी किट चाइना से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, पीपी किट आएगी तब लोग डॉक्टर से उसके लोग इलाज कर पाएंगे, बिना उसके जा नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो पीपी किट बहुत बड़ी बात होती थी। थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर से जो होते हैं वो इंफ्रारेड थर्मामीटर, वो बड़े उसको जो होती थी, वो तो छोड़िए, मास्क और सैनिटाइजर भी नहीं होते थे। अब मेरे को एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका हिंदुस्तान को 100 वेंटिलेटर्स दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती थी कि 100 वेंटिलेटर्स दे रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें आज पीपी किट हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रही है, आज पीपी वेंटिलेटर्स हमारे देश से नई मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ हम बना रहे हैं, हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बाकी मास्क और सैनिटाइजर की तो कोई विषय नहीं रहा। तो जो मेडिकल फैसिलिटीज, कोविड ने व्यक्ति को जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाया है, और जो मेडिकल डिवाइसेस हमारे पास नहीं थी, तो मेडिकल डिवाइस पार्क के नाते से हम वहाँ पर ग्रेटर या जमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंतर्गत हमने वहाँ पर किया, फार्मास्यूटिकल पार्क के नाते से किया। हमारा 23 करोड़ का जनसंख्या वाला देश है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। हम जिस समय दवा लेते हैं तो देखते हैं कि कहाँ की बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की बनी हुई नहीं जा रही। तो हमारे प्रदेश में ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से लोग अपने मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पर बनाए, फार्मास्यूटिकल पार्क के नाते से हमारे यहाँ पर दवाइयाँ बने। सर, ऑपोजिशन बोलती है कि मौजूदा सरकार ने ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर दुगने तिगने दामों में बेचे हैं। पता नहीं उनको कहां से इस बात का पता चल गया। देखिए, ऑपोजिशन वाले ने तो ये भी कहा था, एक नेता ने, कि ये जो वैक्सीनेशन है ये BJP की वैक्सीनेशन है। तो अगर वो BJP की वैक्सीनेशन है, उनके हिसाब से वैक्सीनेशन हमारे देश के साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई है, हमारे देश के डॉक्टर्स के द्वारा ईजाद किया है, वो उस प्रोसेस था वैक्सीनेशन। अगर उनके हिसाब से उन्होंने कहा था ना BJP की है, मैं तो नहीं कह रहा। तो आज वही वैक्सीनेशन जो BJP की है, दुनिया भर में जितनी वैक्सीनेशंस लगी होंगी, आज लगभग 90 करोड़ तक वैक्सीनेशन का हम टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व पूरा कर चुके हैं। 10 करोड़ के हमारे क्रॉस कर गया उत्तर प्रदेश,
तो 90 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में, 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन होते हैं उसमें भी इनको परेशानी होती है। तो 2.5 करोड़ क्यों होंगे जी, प्रधानमंत्री के बर्थडे के दिन क्यों होंगे? अरे यार होगी किसी दिन होगी प्रधानमंत्री के बर्थडे, कोई अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह करके दिखाया कि हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन। अब 1 करोड़ तो लगभग रोज ही हो रही है, हम देखते हैं उसकी संख्या 1 करोड़, तो इनको उसमें भी परेशान है। इन्होंने सामाजिक पाप किया है, जो वैक्सीनेशन समय से शुरू हो जाना चाहिए था और इनके द्वारा भ्रम फैलाया गया। आज की तारीख में अगर कोविड का कोई सबसे बड़ा कवच है तो वो वैक्सीनेशन है। बाकी सारे हमने जो मेडिकल अथॉरिटी हमारे को कहती है हमारे को डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर, वो सारी बातें हैं जो प्रोटोकॉल है उसको मान निभाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कवच वैक्सीनेशन है। इन्होंने आम आदमी को वैक्सीनेशन का भ्रम फैलाकर उससे दूर किया, ये पाप इन्होंने किया है। और ये अपने आप को किस बात के लिए कहते हैं, वो मैं कौन सा क्या रेट पे खरीदा गया क्या नहीं रेट पे खरीदा गया, एक्चुअली इनका जैस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का केवल एक लक्ष्य है कि इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति प्रसन्न हो, सारी सुविधाएं उसको मिले, डायरेक्ट उसके पास पैसा जाए जो हमारी सरकार की योजनाएं होती हैं उसका। पहले ये था, एक प्रधानमंत्री थे वो कहते थे 100 रुपया भेजता हूँ 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 100 भेजूंगा, पाई पाई का हिसाब लूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इनको इसमें भी परेशानी है जी। बाकी सर ये है कि आप जैसे अभी आपने जब से समझा 45,000 करोड़ का निवेश हमारे उसको उत्तर प्रदेश को हमको मिला है, और वो कैसे मतलब उसमें कौन कौन से देश और शामिल है? नहीं, बहुत सारे, सिर्फ 45,000 करोड़ का ही इसी टाइम की बात है, कोविड टाइम की बात है, नहीं तो लगभग हमारे निवेश 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटेनिया वालों ने अभी अभी हमने उनको जमीन दिया बाराबंकी में, अभी 2 महीने पहले उनकी रजिस्ट्री हुई है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ब्रिटेनिया वालों ने, मैंने आपको बताया ना बाराबंकी में। तो ये भी ये भी ना कह दें कि हमें पता था कि आज 4 साल पहले ब्रिटेनिया वाले आएंगे और वहां पर वो इंडस्ट्री लगाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि ये भी कह सकते हैं। जैसे ए बी मॉरिस है, ईस्ट बनाते हैं, हमने चित्रकूट में भी इनको लैंड दिया, हमने पीलीभीत में भी इनको लैंड दिया, वहां पर ये काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सैमसंग डिस्प्ले यूनिट चाइना से हटकर, मैंने कहा पहली यूनिट जो चाइना से हटकर हिंदुस्तान में आई तो हमारे नोएडा में आई। ठीक है, आइकिया वालों का बहुत टाइम से उनका प्रॉब्लम्स और उसका चल रहा था, मैंने बैठ के रिजॉल्व कराया, आइकिया का वहां पर काम शुरू हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, मैंने कहा मैं नाम ले, जैसे मैंने अभी आपको अडानी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने हीरानंदानी का आपको बताया, मैक वालों का आपको बताया, मेरे पास एक उसकी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अब इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये 45 करोड़ लगभग 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये कोविड का काल का ही है जो यहाँ पर हमारे को इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए आ रहे हैं जी। और सर आपके अकॉर्डिंग ये है कि व्यापार और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, किस तरीके से उनको सुरक्षा दी जा रही है? जैसे मैंने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये बात कही थी कि आप आओ, हम आपका सहयोग करेंगे, आपका समन्वय करेंगे, आपका संरक्षण करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, सुरक्षा ही मेन पॉइंट थी। बाहर देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, उत्तर प्रदेश बदनाम था कि कहाँ पर किसका अपहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ जाति के हिसाब से बात होती थी, समाज को बांट कर हिसाब से बात होती थी, अलगाववाद की बात होती थी, भ्रष्टाचार की बात होती थी। क्या मायावती जी ने कभी कोई कह सकता है इंडस्ट्री लगाई? आज जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से ये आते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, इटावा उसके आसपास, टावर उसके आसपास इटावा में आज तक कौन सी इंडस्ट्री लगी है? वहां लोग इनके नाम से नहीं जाना चाहते थे, इटावा में कोई इनके नाम से नहीं जाना जाता था, एटा में इनके नाम से कोई नहीं जाना, वो पूरे का पूरा इंडस्ट्री के नाम से शून्य था। अभी आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं पूरब के, यहाँ पर पूरब में माने श्री मुलायम सिंह यादव जी भी जीत के, अखिलेश यादव जी भी ये कहते थे वहां पर इनका गढ़ था, तो वहां पर इनका गढ़ था तो इंडस्ट्री के नाते से वहां पर कौन सा पूरब के क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्री लगी? इनके भय और इनके नाम से इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था, अब जब ये हटे तब इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है जी। बाकी सर ये है कि आवंटित प्लॉट पर सरकार कैसे ध्यान दे रही है? नहीं, पहले जो प्लॉट आवंटित हुआ करते थे पहले वो रियल स्टेट के लिए इस्तेमाल होते थे कि प्लॉट दे दिया, अब प्लॉट में वहां पर 15 साल के लिए पड़ा, 20 साल के लिए पड़ा है तो इंडस्ट्री उसमें लगती नहीं थी, महंगा हो जाने के बाद उसको बेच देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। हमने ये एक्ट लेकर आया कि अगर किसी को इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया जाएगा तो वो 5 साल में अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, नहीं तो उसका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। पिछले इंडस्ट्री जिनको प्लॉट दिया गया तो उनको भी हमने एक अवसर दिया है कि आप अपनी इंडस्ट्री लगा लीजिए, अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम आपका भी प्लॉट कैंसिल कर देंगे। जो जेन्यून इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए प्लॉट है नहीं, और जो लोग रियल स्टेट का काम करना चाहते हैं प्लॉट लेकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमने ये नया एक्ट हम लेकर आए हैं कि जिसमें हमने ये कहा कि अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट किसी को अलॉटमेंट करेंगे तो
उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट में अपने समय के अंतर्गत उसको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जी, बाकी सर एक मैटर था आपका कि आपका और बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी का एक मैटर था जो पुल को लेकर एक बात कोई एक मुद्दा एक क्रिएट हुआ था। लोग मिलकर काम करते हैं, मैं वहाँ पर पुल के लिए काम करता रहा, आज वो माननीय सांसद हैं, मेरा किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जी, बाकी और सर आपने एक बार बीजेपी से विड्रॉ करने की भी बात कही थी। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं, बात करने की बात तो कि ऐसा ऐसा सुनने में कभी सोचा भी नहीं। देखिए मेरे डीएनए में संघ है, मैंने आपको बताया ना, तो मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम ही नहीं करता था, मैं बाल काले से संघ का स्वयं था, मेरे तो खून में है। और जितना कुछ मेरे को बीजेपी ने दिया है, मेरी काबिलियत से मैं कहता हूँ कि मेरी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा दिया होगा मेरे को मेरी पार्टी ने, तो ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं है। कहने की बात तो बहुत दूर की है, मैंने कभी ये सोच भी नहीं सकता। मैं मेरा जीवन, मैंने कहा ना, मेरे डीएनए में है संघ और भारतीय जनता पार्टी, तो जिसके खून में हो हम जो कुछ। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, मैं पार्टी को अपनी माँ समझता हूँ, ये माननीय अटल जी भी कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कहते हैं, और जो अपने माता पिता के साथ धोखा कर सकता है वो जिंदगी में कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। और मेरे लिए मेरा जीवन, मेरी पहचान, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा मेरी पार्टी की वजह से, और वो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सर आपने ये ऐसे कौन से मतलब वादे किए गए हैं इन्वेस्टर्स के साथ में जिनको यूपी पे भरोसा हुआ है, क्योंकि पहले यूपी पे भरोसा नहीं कर पाए थे। आपको बताया सहयोग, समन्वय, सुरक्षा, हमारी जो पॉलिसीज आई हैं, तो पॉलिसीज के नाते से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉलिसीज का हम क्रियान्वयन समय से करते हैं, जैसे ये बता रहे हैं 2003 में एक पॉलिसी आई, तो 2006 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं ये पॉलिसी नहीं चलेगी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो फिर दूसरी बीएसपी के उन्होंने कहा नई पॉलिसी लेकर आएंगे, उन्होंने कहा पिछले वालों को हम इंसेंटिव नहीं देंगे। तो 2012 के आए, उन्होंने कहा हमारी जब सरकार आई तो हमने कहा नहीं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज का क्या कसूर है, सरकार ने वादा किया था, किसी राजनीतिक दल ने थोड़ी वादा किया था। जो पिछले सरकार के इंसेंटिव इन्होंने मना कर दिया था कि पिछली सरकार के इंसेंटिव हम नहीं देंगे। सरकार पिछली और अगली नहीं होती, सरकार एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। हमने जो भी इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने वादा किया था, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, आज हम उनको ऑनर कर रहे हैं। आज हमारा विश्वास इस नाते से इंडस्ट्रीज के बीच में जमा है कि नहीं, जो पिछली सरकार के भी जो वादे थे इंडस्ट्रीज के नाते से हमारे को देने के, पिछली सरकारें बंद कर दिया करती थी, दूसरी सरकारें आती थी बंद कर दिया करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछली सरकारों ने जो इंडस्ट्रीज को वादे किए हैं, जो पॉलिसीज के अंतर्गत हैं, हम उसमें से भी उन पॉलिसीज का पालन कर रहे हैं। बाकी सर आने वाले टाइम में किस तरीके के आगे और कौन कौन से विकास का बना लाइन कर रखें? देखिए विकास, देखिए उत्तर प्रदेश में एक नया स्वरूप देखा है विकास को, लोगों को टेस्ट लगा है विकास का। उत्तर प्रदेश में गांव तो छोड़ो, शहरों में भी बहुत ऐसी बस्तियां होती थी जहां पर बिजली नहीं आती थी, तो लोगों को उसको विकास का टेस्ट नहीं मालूम था। लोगों को जाति के आधार के ऊपर बांट कर उनसे वोट ले लिया जाता था, संप्रदाय के आधार के ऊपर बांट कर वोट ले लिया जाता था, गुटों में बांट कर उनको वोट ले लिया जाता था, धमका कर वोट ले लिया जाता था, डरा कर वोट ले लिया जाता था। आज वो सारी की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब परिवारवाद की बात समाप्त हो चुकी है, अलगाववाद की बात समाप्त हो चुकी है, विघटनवाद की बात समाप्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार की बात समाप्त हो चुकी है। आज केवल एक बात है जिसके आधार के ऊपर राजनीति होती है, वो है विकासवाद और राष्ट्रवाद। और विकासवाद और राष्ट्रवाद के विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। सर अब आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? 2022 में हम 2/3 बहुमत से ज्यादा हम फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सब आखिर में मैं चाहूंगी कि हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को, प्राइम टीवी के व्यूअर्स को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक मेरे पास एक अलग प्रकार का इंटरव्यू प्राइम टीवी के श्वेता जी ने लिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार का रुचि लोगों में कम रहती है। अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और परिवेश में ज़्यादा रुचि रहती है, उठापटक और नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्नों की तरफ रुचि रहती है, लेकिन आज एक जो इंटरव्यू हुआ तो मैं आभारी हूँ प्राइम टीवी का, और जनमानस के बीच में एक असली स्वरूप मेरा पिछले विगत बचपन से लेकर अभी तक जो मैंने हुआ, मेरा वास्तविक वो जीवन जिसमें मैं कहाँ पढ़ा, कहाँ मैंने बड़ा हुआ, उस नाते से हुआ जीवन में, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्यक्ति का अपब्रिंगिंग किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुई है, कहाँ से वो शुरुआत करी, कहाँ पर वो उठकर रास्ता में उसने किस प्रकार से उसने अपने जीवन की यात्रा तय करी, ये जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किस पड़ाव के ऊपर आज हम किस वजह से पहुँचे, इसकी चर्चा करी प्राइम टीवी ने। मैं अपने दर्शकों को इस विश्वास के साथ कि जहाँ से मैंने कहा मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप से आज जिस स्थिति के ऊपर मेरे को मेरे क्षेत्र की जनता ने, मेरे वोटर्स ने, मेरी कार्यकर्ता ने, मेरी पार्टी ने मुझे बचाया, वो केवल एक उद्देश्य के साथ,
जनता की सेवा और जनता के विश्वास के प्रति खरा उतरना चाहिए। और मैं प्रयास करता हूं कि जनता ने जिस हेतु, जैसे मैंने कहा था, किस हेतु, किस लिए मुझे जनता ने चुना है, जब मैं इस बात को समझता हूं और उस लिए काम करता हूं, तब विकास को हम मूर्त रूप दे सकते हैं। और जिस समय विकास को मूर्त रूप दे सकते हैं, तब हम उस विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं, जो विश्वास जनता के द्वारा 7 बार लगातार और 2022 में जनता की कृपा से 8वीं बार लगातार होगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी ने, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने सफर की बात हमसे शेयर की है। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।